प्याज एक्सपोर्ट को मिली सरकार की हरी झंडी। अक्टूबर महीने में भारत सरकार ने 31 मार्च 2021 तक 10,000 टन के दो प्रकार के प्याज के एक्सपोर्ट की परमिशन देने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया था। अब नया साल शुरू होते ही भारत सरकार ने सभी तरह के प्याज को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। ये परमिशन 1 जनवरी 2021 से मिल गई है। अब किसान अपना किसी किस्म का प्याज आसानी से एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही बेंगलोर रूस और कृष्णापुरम प्याज का एक्सपोर्ट भी 1 जनवरी 2021 से प्रभावी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक एक नोटिफिकेशन जारी की और बेंगलोर रूस प्याज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। नोटिफिकेशन ने विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बताया कि प्याज की दो किस्मों के निर्यात की अनुमति अब केवल सीमित मात्रा के लिए है। इसके अलावा प्याज की इन किस्मों के निर्यात की अनुमति केवल चेन्नई बंदरगाह से होगी। भारतीय इकॉनमी के मंदी से उभरने के मिले संकेत, जीएसटी कलेक्शन ने तोड़ा रिकॉर्ड। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने से अब तक सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है। हर साल के मुकाबले इस साल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू से सरकार का खजाना भर गया है। दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2019 के मुकाबले 12% अधिक है। इन सभी संकेतों को देख हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से उभरने की तैयारी में है। दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये है जीएसटी कलेक्शन। कुल जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ में से सेंट्रल जीएसटी 21,365 करोड़ रुपए है, जबकि स्टेट जीएसटी 27,804 करोड़ रुपए है। इंटीग्रेटेड जीएसटी 57,426 करोड़ रुपए है, जिसमें 27,050 करोड़ रुपए का वो हिस्सा भी शामिल है जो सामानों के आयात से मिला है। कंपनसेशन सेस से 8,579 करोड़ रुपए आए हैं। नवम्बर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कुल 87 लाख जीएसटी R3B रिटर्न्स दाखिल किए गए हैं। दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर वित्त मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2019 में जीएसटी कलेक्शन 1,03,184 करोड़ रुपए था। इस महीने के दौरान सामानों के इंपोर्ट से रेवेन्यू में 27% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। घरेलू ट्रांजैक्शन से रेवेन्यू में पिछले साल के इस महीने के मुकाबले 8% ज्यादा रही है। इससे पहले अप्रैल 2019 में रिकॉर्ड 1.14 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।